अभी भीम जी की दूसरी समस्या पोटी से डर लगना, उसे दूर करते हैं। तो इसे हम गीता थेरेपी फॉर्मेट से समझें। इससे पहले भीम जी आप पूरा डिटेल से बता दो कि आपका रूटीन क्या रहता है, कैसे कैसे करते हो, पूरा एक बार वो क्लियर कर दो, फिर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, मैं सुबह 7-7:30 बजे उठता हूँ। हाँ, उसके बाद 10-15 मिनट बाद फ्रेश होने जाता हूँ, और फ्रेश होने के लिए मुझे कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। अच्छा, कपड़े बाहर ही उतार के चले जाते हो? हाँ जी, दूसरे वॉशरूम के कपड़े अलग बना रखे हैं। अच्छा, वो चेंज करके जाता हूँ। हाँ। और क्लीन होने के बाद, मतलब फ्रेश होने के बाद, कम से कम मैं आधा घंटा 40 मिनट 1 घंटे तक भी धोता रहता हूँ, ये साफ नहीं हुआ है ये फील होता रहता है मुझे। अच्छा, उस समय क्या धोते रहते हो? मतलब पॉटी को ही अपने। अच्छा, पॉटी वाले एरिया को। पॉटी वाले एरिया को उसको बार बार पानी से धोते रहते? उसको बार बार पानी से धोता रहता हूँ। फिर उसके बाद, और जबकि मैं इंग्लिश टॉयलेट यूज करता हूँ। हाँ। फिर उसके बाद हाथ धोता हूँ, और मन में यही कम से कम आधा घंटा 40 मिनट भी हाथों को रगड़ता रहता हूँ, और यही लगा रहता है कि शायद मेरे हाथ गंदे हैं, मैं टॉयलेट के अंदर गया हूँ तो गंदे ही हैं। अच्छा, आपको हाथ गंदे इसलिए लगते हैं कि टॉयलेट गंदी होती है? हाँ, कि उन हाथों पे टॉयलेट लगी होगी। हाँ, कि वॉशरूम के अंदर गए हैं तो वहां हम पॉटी कर रहे हैं तो उतना एरिया गंदा है, चाहे वो दीवार हो चाहे नल हो या कुछ और, तो वो गंदा है। तो उसी का वहम हटाने के लिए मैं आधा घंटा 40 मिनट तक हाथ धोता रहता हूँ, बार बार पानी साबुन ले लेके। फिर जब उस चीज से निकलता हूँ तो फिर जब नहाने जाता हूँ, मैं ये तीनों काम एक साथ ही करता हूँ, गैप नहीं देता हूँ। अच्छा, फिर जब नहाने जाता हूँ तो हर एक मतलब पार्ट को थोड़ा घिसता हूँ अच्छे से, कई बार घिसता हूँ, ऐसा नहीं एक दो बार देर तक घिसा, कई बार घिसा। फिर उसके बाद इतना करने में मुझे 1 से 1.5 घंटा लग जाता है। तो इस पूरे काम को करने में मुझे 3-3.5 घंटे, सिर्फ 3 काम करने में सुबह मेरे 3-3.5 घंटे खराब हो जाते हैं। हाँ, तो उस चीज से बहुत परेशान होता हूँ। तो ये है मेरा सुबह का रूटीन। हाँ। दिन में कभी मन कर जाए हाथ धोने का, या मन में आ जाए कि कुछ गंदगी है या लगी हुई है, तो मैं 10-15 मिनट एक बारी में भी हाथ धोता हूँ। तो ये है मेरा पॉटी का। और मतलब ऐसा भी है कि कोई चीज है हाँ, जहाँ पे कोई चांस ही नहीं है कि वहां पॉटी भी हो सकती है। हाँ, लेकिन कोई निशान देख लिया या कोई पीली चीज देख ली, हाँ कुछ पीला कलर देख लिया कुछ और, तो लगता है वो पॉटी ही है। तो उससे बड़ी दिक्कत होती है। अच्छा, जब जाते हो रास्ते पर तब बहुत बच बच के जाता हूँ, तब पोटी को ढूंढते हुए जाते हो? हाँ, ढूंढता हुआ जाता हूँ। आपका ध्यान ही पोटी पर ही रहता है? हाँ, बस वहीं पे पोटी कहीं ना कहीं दिखी जाती है, ढूंढ ही लेते हो। हाँ, आप पोटी को ढूंढते हो या पोटी आपको ढूंढ लेती है? मैं ही ढूंढता दूसरों को शायद दिखाई भी ना दे। ना, मुझे जरूर दिखती है। हाँ, क्योंकि आपका ध्यान वही है ना? वही है आपका फोकस, ही उसी चीज पर। हाँ, जैसे रिसेंटली का बता सकता हूँ, कल परसों में फ्रेंड सारे बाहर खड़े थे, ऐसे ही बात कुछ कर रहे थे, और मैं चारों तरफ रोड पे देख रहा हूँ कि कहीं पड़ी तो नहीं है, पॉटी तो नहीं पड़ी किसी जानवर की किसी की। तो बाय चांस मुझे दिख भी गई। हाँ, ऐसा चांस कोने में, और मैं वहां से हट गया सबको लेके कि यहाँ नहीं खड़े होते, कहीं और खड़े होते। बिल्कुल, तो उससे ही मुझे अजीब लगा बहुत। और जबकि मैं तो वहां जा भी नहीं रहा, दूर ही थी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल वहीं खड़े हैं, थोड़ा दूर ही, लेकिन मैंने देख लिया था। तो ये सारी दिक्कतें होती है। पोटी को देखने के बाद ही कबराहट शुरू हो जाती है। हाँ जी, पास से भी नहीं निकल पाता हूँ, पास से होता है निकल जाऊं। हाँ। तो वहम लगता है कि हाथ भारी से हो जाते हैं, वो फील होने लग जाता है, या कि मेरे जूते चप्पल गंदे हो गए हैं, ऐसा फील होता है। पर लेकिन होता कुछ नहीं है, बस वहां से जाया नहीं जाता। अच्छा, दरवाजे के हैंडल या कैसे खोलते हो?
जो जिनमें मेरा वहम नहीं है उन्हें तो मैं इजीली खोल लेता हूँ, लेकिन जिसमें है कि मेरे ही हाथों से वो गंदा हुआ है हाँ तो उन्हें लेफ्ट हैंड से खोलता हूँ या फिर पैर से या वैसे ऐसे करके खोलता हूँ। तो ऐसे मतलब खोल लेता हूँ, बट जिसमें बहुत ज्यादा है कि उसे तो मैं बिल्कुल ही अवॉइड करता हूँ कि वो जाना ही ना पड़ जाए उस साइड, नहीं हाँ तो खोलना पड़ेगा। अच्छा, अवॉइड क्या क्या करते हो? अवॉइड मोस्टली कहूँ तो सारी चीज करता हूँ जिन जिसमें वहम है, जिस जिसमें लगता है कि ठीक है यहाँ मेरे हाथ लगे हैं, गंदे हाथ थे मेरे लगे हैं, या कुछ लगा हुआ वहां मैंने देख लिया है, तो उन चीजों को अवॉइड करता हूँ। तो यही चीजें हैं जैसे। ठीक है। अच्छा, ये डेटा कहाँ से आया कि पोटी गंदी होती है? ये कैसे जाना आपने? ये तो शायद सबने ही सुना होगा कि सबने सुना है, लेकिन सभी इस डाटा में विश्वास नहीं रखते। हाँ कि पेरेंट्स कहते हैं कि थोड़ा कभी देख लेते हैं पेरेंट्स कि थोड़ा साइड होके चल कि गंदगी पड़ी हुई है लग ना जाए ये वो, तो इन चीजों को थोड़ा मैं ज्यादा ऑब्जर्व करने लगा। और ऐसा इंसिडेंट हुआ भी था कि सबका ही पेट खराब होता ही है, हाँ हो हाँ जाता है, कभी ना कभी होता ही है, होता ही है, तो वो थोड़ा सा मैंने देख लिया था। अब वो निकल भी जाती है, हाँ वो वो कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ मतलब पेट खराब होता है तो वो मैंने अपने कपड़ों में देख भी लिया था एक बार, तो उस दिन से बहुत ज्यादा हो हाँ, गया, उस दिन से वो ही बैठ ही गया, वो बैठ ही गया कि नहीं अब उस तो दिन को भूल ही नहीं वो पाए। भूल ही नहीं पाया, वो बढ़ते 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 हर जगह फैलता गया। वो दिन बहुत से लोगों की लाइफ में आता है, लेकिन जब पेट खराब होता है तो पोटी निकल सकती है, लेकिन क्या हर बार ये संभव है? तो नहीं फिर तो इसका मतलब मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ हुई, उसी दिन हुई, उस दिन के अलावा तो कोई गड़बड़ नहीं है। उस दिन धोना पोंछना जायज था या कर लिया आपने, लेकिन उस दिन के अलावा तो जायज नहीं है, नहीं लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं फिर भी हम कर, क्योंकि उस दिन का जो और इम्पैक्ट उस है। दिन जब हुआ तब अजीब नहीं लगा, बाद में धीरे धीरे अजीब लगा, हाँ, बाद में वही चीजें सोच में भी आता रहा सोचने, ना, उसके ऊपर बहुत सोचा ना। सोचा हाँ, इतना सोच लिया कि वो चीजें फिर बैठी दूसरी गई। हाँ चीजों में दिखाई देने लग गई। जी ठीक है, आपके मन से ये बात निकल जाए या ये आपको समझ आ जाए कि पोटी उतनी गंदी होती ही नहीं जितनी आप समझते हो, या पोटी गंदी है ही नहीं, सिर्फ गंदा माना गया है, तो आप कैसे जियोगे? तो मैं जैसे उस दिन सोचा था उससे पहले जैसे जीता था वैसे जीऊंगा, चलो, कभी सोचा ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, कभी कुछ हाँ किया नहीं। चलो, पोटी का आज विश्लेषण करते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, पोटी देवता के दर्शन भी करोगे, ठीक है? जैसे लोग भगवान के दर्शन करते हैं, वैसे आप दर्शन करने भी जाओगे। अच्छा हाँ, दिखा के लाएंगे। हाँ ठीक है हाँ, तो मनीष कहाँ मिलेगी पोटी? कहाँ पोटी? बाहर, गीली और सूखी दोनों ही। किधर, आपके कहाँ? खेत में खेत में? खेलने अच्छा, कुत्ते की नहीं, आदमी की? आदमी की पोटे से डर लगता है या? अब तो सबसे लगता है, अच्छा, बट कुत्ते की दिखा दें तो कोई दिक्कत नहीं, फिर हो जाएगा। हाँ, देख सकते हैं चलो, कुत्ते वाली तो उसको देखने के बाद सही लगेगा। ऐसे तो हाँ, मेरे उसका लिए सामना कर लिया तो बाकी हो ही जाएगा सबका। अब वो तो सब एक बराबर है, सब चलो, एक फूड बड़ा से ही प्रोसेस होके आ रहा है। कोई नहीं, उसको टच भी करवा देंगे, ठीक है? नहीं सर मैं कर लूंगा, फिर तो समझ जाओगे। हाँ हाँ, मैं करूंगा, वो तो करना ही है। मैं हाथ धोऊंगा उतना ही, आप हाथ धो लेना, जैसा मैं रहूंगा वैसा रहना है, ठीक है? बट टच नहीं मैं करूंगा। करूंगा तो कोई दिक्कत हाँ नहीं, तो फिर मैं, मैं अगर पहले आप मैं ठीक करूंगा, हो जी पहले मैं करूंगा, पहले सीधा आपसे थोड़ी ना करवाऊंगा, जो मैं करूंगा वही करना है, अपने हिसाब से कुछ नहीं करना, ठीक है?
बस मेरे ऊपर छोड़ दो, जितने हाथ मैं धोऊंगा उतने तो धो लोगे। हाथ तो धो लूंगा आपके जितने। हाँ बस, तो फिर मेरे जैसा ही बनना है। वही चीज ठीक हो जाए तो फिर तो जरूरत ही नहीं है इन्हीं चीजों से परेशान। मतलब नहीं। ये नहीं है ना कि कभी वो छूना ही है या कुछ और। ना छूना जरूरी थोड़ी ना लाइफ में। हाँ, लेकिन सामना करना, सामना करना जरूरी। एक बार आपने छू भी लिया तो फिर बाद में दोबारा नहीं छूना, लेकिन वो डर का सामना हो जाएगा। भी आपने सामना कर लिया, डर पर विजय पा ली कि अगर वहां खड़े हो कि भी देख के भी मुझे बुरा नहीं लग रहा है। हाँ, तो भी बहुत अच्छा है। तो भी बहुत अच्छा है। एक बार छू भी लिया, उससे आगे भी बढ़ गए, भी हम और आगे भी बढ़ गए। हाँ, तो भी कोई दिक्कत नहीं। धो लिया हाथ, उसके बाद ठीक है तो फिर आप ठीक हो ही गए। ठीक है, हर बार थोड़ी ना छूना है, कोई नहीं छूता। लेकिन एक्सट्रीम केस में अगर छूने से डर भागता है तो हमें छू भी लेनी चाहिए ना। ठीक है, सोचना नहीं है, सोचना ही बीमारी है कि जो होगा सो देखा जाएगा। ठीक है, इतना ये मन में रखना है, जो होगा वो ठीक ही होगा। सोचना फंसना है। ठीक है, सोच सोच के तो फंसे है ना, ये बात तो आप जानते हो। तो अभी आपके मन में क्या विचार आ रहा है कि कैसे छूंगा? ये विचार आ रहा है कि नहीं, फील हो रहा है कि छूना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, मैं कब कह रहा हूँ इंपॉर्टेंट, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? डर का सामना करना। अब कि अगर मैं वहां खड़ा रह के भी ये फील ना करूं कि मेरे हाथ भारी है, ये मेरा मन भी नहीं होगा, हाथ भी फील नहीं होंगे। छू भी लिया तो अभी कुछ भी फील नहीं होगा। अगर बिना छुए भी, हाँ आप ये कह लो मैं छू भी लूंगा, आप जो करोगे वो मैं सारा ही कर लूंगा बस। हाँ वो तो करूंगा, क्योंकि ये ओसीडी है ना, एक ब्रेक कर लेगी कि चलो चलो खड़े हो जाना, इतना तो कर लेना, छूने तक ना जाना। वो एक बार बैरियर रोकेगी, एक बैरियर तो टूट जाएगा। हाँ, एक बैरियर, एक बार छू लिया तो सारा खेल ही खत्म हो जाएगा, फिर दोबारा छूने की भी जरूरत नहीं है। माँ पोटी छूती है ना बच्चे की। हाँ, और हॉस्पिटल में बहुत से मरीज आते हैं, आईसीयू में होते हैं या कोई सीरियस बीमार है, उसकी पोटी भी तो निकलती है। नर्स या सफाई कर्मचारी है, वो छूती भी तो है ना। हाँ जी, वो साफ करती है ना। उसके मन में ये डाटा नहीं है कि पोटी गंदी है। उसके मन में ये है कि ये मेरा काम है, मैंने करना है, पर वो कर देती है ना। हाँ, तो देखो पोटी बनी किससे? उसी खाने पीने के पदार्थों से ही बनी है, जिससे आंसू बनते हैं या जिससे खून बना, सारी चीजें खाने से ही तो बनी है। जो खाना बच गया उससे पोटी बाहर निकल गई, तो उसमें गंदगी जैसा तो कोई तत्व है नहीं। महकेंगे फिर से खुशियों के रंग भगवत गीता थेरेपी कोर्स के संग। इतिहास का पहला ऐप जो गीता के माध्यम से ओसीडी डिप्रेशन का इलाज आसान बनाएगा। ओसीडी डिप्रेशन का इलाज हुआ और भी आसान, और वो भी बिना दवाई घर बैठे। किसी को बीमारी की चिंता है तो किसी को चिंता की बीमारी है। भगवत गीता ने लाखों करोड़ों का जीवन बदला है और आपका भी बदलेगा। गीता थेरेपी कोर्स में आपको मिलेगा सभी 11 प्रकार की ओसीडी का संपूर्ण इलाज, जैसे गंदगी का वहम, बार बार हाथ धोना, बार बार सफाई करना, बार बार लॉक दरवाजा चेक करना व अन्य सामान की चेकिंग बार बार करना, एक ही विचार बार बार आना, नुकसान व मरने मारने का विचार आना, HIV, रेबीज, कैंसर, हार्ट अटैक का विचार आना, IBS और नींद ना आने की समस्या का हल गीता कोर्स में मिलेगा। आत्महत्या वाले विचारों से मुक्ति भी गीता थेरेपी कोर्स से मिलेगी। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप पर आपको ओसीडी से संबंधित राजेंद्र जोधपुरिया की किताब, भगवत गीता के मनोवैज्ञानिक रहस्य और अन्य टिप्स पढ़ने को भी मिलेंगे। गीता है महान थेरेपी। गीता में CBT, हिप्नोथेरेपी, माइंडफुलनेस, ERP व अन्य बहुत सी साइकोथेरेपीज का समावेश मिलेगा। राजेंद्र जोधपुरिया ऐप एक, फायदे अनेक। आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो देर क्यों, अभी जाइए डिस्क्रिप्शन में और लिंक पर क्लिक करके प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड कीजिए राजेंद्र जोधपुरिया ऐप और पाइए अपनी सभी समस्याओं का हल। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।